वेलकम माई चैनल। आज मैं बना रही हूँ व्रत की साबुदाने की खिचड़ी। चलिए आपको मैं बताती हूँ मैं साबुदाने की खिचड़ी व्रत में कैसे बनाती हूँ। आइए ये देखिए मैंने सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमने आलू कट किए हुए हैं। इसमें आलू ज्यादा चाहिए हमें। ये साबुदाने में बॉयल कर मतलब ये रात को मैंने भिगो के सारा पानी निकाल के ये रख दिया था। ये फूल जाता है साबुदाना, तो ये फूल कितना हो गया, ये दो पैकेट छोटे वाला साबुदाना है और ये आलू है, ये क्योंकि बनने के बाद ना थोड़ा हो जाता है। और ये टमाटर कट किए हुए मैंने, चार टमाटर लिए हुए हैं। ये हरी मिर्च है, चार पांच हरी मिर्च है। ये काली मिर्च है, इसमें ये काली मिर्च ली हुई है। ये जीरा है और ये सेंधा नमक है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई में हमने रिफाइंड डाल लिया है, तो रिफाइंड हमने सबसे पहले लिया है, रिफाइंड को हमने गर्म कर लिया है। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें जीरा भूनेंगे। तो हमने जीरा भून लिया, जब ये ब्राउन हो जाएगा ये जीरा भून जाएगा, हमारा जीरा भून गया है। अब इसमें ये टमाटर और ये हरी मिर्च ना कटे हुए इसमें डालेंगे। वही उसी तरह से हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी गल जाए। साथ ही हम अपनी जो काली मिर्च हमें जिसकी लेनी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और जब तक ये हमारे टमाटर गले, जब तक हम इसको मैश करेंगे, इसको कट होने देते हैं, इसमें सबसे टमाटर गलते हैं हमारे, क्योंकि वो साबुत से टमाटर अच्छे नहीं लगते, बच्चे भी निकाल देते हैं। तो हम इनको जब तक ये हुए ये मैश करते हैं। चलो ये मैश होने देते हैं। ये हमारे टमाटर गल गए हैं, अब इसमें हम आलू मिक्स करेंगे। इसे पानी नहीं डलेगा बिल्कुल भी, हम ये आलू ऐसे ही मैश करेंगे, इसको इसके साथ ही मिलाएंगे इसको। अब इसमें हम जितना हमें नमक चाहिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये सिम गैस पे बनती है, तो ये हाई फ्लेम पे नहीं बनती है, सिम फ्लेम पे बनता है। तो हम इसको भी ढक के रख देंगे। ये हम इसको ढक देंगे और गैस को कर देंगे बिल्कुल सिम। अब इसको जब तक हम आलू गले हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको देखेंगे। हम इसको साबुदाने को बीच बीच में चलाएंगे ताकि लग ना जाए, आलू को चला देंगे। साबुदाना इसमें भी डाला नहीं है, इसको गल लेंगे, इसको ढक के रख देंगे। अभी गलना नहीं है, जब तक ये आलू गल नहीं जाएंगे जब तक हम इसे ऐसे पकाएंगे। ये हमारे आलू को चेक करते हैं, ये देखो आलू हो गए, ये पूरे आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इनमें साबुदाना मिक्स करेंगे, इसमें लास्ट में साबुदाना मिक्स होता है क्योंकि साबुदाना 5 मिनट में हो जाता है। ये सारा हम इसमें मिक्स कर लेंगे, लेकिन हम इसको साबुदाना डालने के बाद फटाफट चलाएंगे, इसको रोकेंगे नहीं, वरना ये हमारा इकट्ठा हो जाता है एकदम से साबुदाना। मैंने सारा डाल लिया साबुदाना इसमें, और हम इसको सारे साबुदाने को इसमें मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर लिया है साबुदाना आलू को। अब इसको 2 मिनट तक हम ऐसे चलाएंगे, इसको रोकेंगे नहीं, चला देंगे तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। इसको ऐसे चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। इसको 2-3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ सर्व करके। देखिए गाइस, ये मैंने साबुदाना इसको सर्व कर लिया, ये हमारा साबुदाना रेडी है। हम इसको दही से, चटनी से, हम किसी से भी खा सकते हैं। आप लोग मुझे बताना मेरी साबुदाना खिचड़ी आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी साबुदाना खिचड़ी तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे को भी बताइए कि आप साबुदाना खिचड़ी कैसे बनाते हैं व्रत में। और ये फ्लावर है, फ्लावर में यूज होती है, हम व्रत में इसको हम टिक्की भी बना सकते हैं और हम ये खिचड़ी के तौर पे भी हम खा सकते हैं। इसकी साबुदाने की खीर भी बनती है, तो इसमें कई आइटम हम साबुदाने के बना सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय।